हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल आज आपके लिए जो है बेसिकली काफ़ी लोगों की फरमाइश है टोपी बता दीजिए अलग तरीके से। ये टोपी जो है आप जेंट्स के लिए भी बना सकते हैं और आजकल के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं जिनको बेसिकली डिज़ाइनर पहननी होती हैं, जो चाहती हैं कि जो बाज़ार में मिल रही है वैसी पहनी जाए, वो उस तरीके की टोपी जो है मैं आपको बता रही हूँ। अब फंदे जो है इसमें 90 फंदे, अगर आपकी ऊन जो है मोटी है तो आप 90 फंदे डालिएगा। मैंने बेसिकली ये जो दो है ये पतली ऊन थी तो मैंने दो को मिला के बना रही हूँ। और इसमें जो है अगर पतली ऊन है तो 95-96 फंदे आप नीचे डालिए और इस तरीके से जो है, ये तो मैंने डबल बॉर्डर जो बता रखा है वही आप डालेंगी, वैसे ही मेरे चैनल पर है। और इसके बाद जो है ये इस तरीके से जो है इसका आप बॉर्डर बनाएंगी, तो मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से ये बॉर्डर बनना है। और कम से कम 12 से 14 लाइंस का ये आप बॉर्डर बनाएंगी। देखिए एक उल्टा, अब जो ये है ये वैसे मैंने अपने दूसरे डिज़ाइंस में भी बता रखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ। आप इसे इस तरीके से उतारेंगी और धागे लपेटेंगी एक उल्टा, इस फंदे को सीधे वाले फंदे को उतारेंगी, धागा लपेटेंगी एक उल्टा, इस फंदे को उतारेंगी, धागा लपेटेंगी एक उल्टा। ऐसे ही आपने जो है सारी लाइन करनी है, इसे उतारेंगी, धागा इस तरीके से लपेटेंगी एक उल्टा। ये देखिए ऐसे आएगा ये। एक्चुअल में हमारे बच्चे जो आजकल चाहते हैं ना कि बाजारी जो मिल रही है चीज़ वैसी हो, तो मैंने सोचा कि आपको इस तरीके से ये बता दूं। ये देखिए, ये अगर आपने देखा होगा तो बाज़ार में अगर आप टोपी देखेंगे तो इसी तरीके से होती है और गफ होती है ऐसे ही, तो आपको सारी लाइन जो है इसी तरीके से ये करनी है। ये देखिए, ये मैंने पूरी लाइन इसी तरीके से की है। अब इसकी अगली लाइन कैसे करनी है देख लीजिए, ये उल्टे साइड आ जाएगी आप। ये देखिए इसकी अगली लाइन पे क्या करना है, एक फंदा आप सीधा बुनिए जो भी है पहला वाला। ये देखिए, अब ये आपको दिख रहा है कि ये फंदा जो है इसका ऊपर से आया हुआ है, इसके धागे अपनी तरफ करके इन दोनों फंदों में से निकाल के आपको इसे बुन देना है। धागे आगे करना है, एक सीधा बुनना है, धागा वापस कीजिएगा, फिर इन दोनों में से आप इस तरीके से निकाल के दोनों का एक कर दीजिए, फिर वापस कीजिए एक सीधा, फिर वापस कीजिए इन दोनों में से। तो इसी तरीके से जो है आपने ये बॉर्डर बनाना है, पूरा बॉर्डर। ये देखिए, ये एक सीधा, फिर वापस गए, फिर आपने इन दोनों में से डाल के इस तरीके से निकाल दिया एक सीधा। ये देखिए इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ये तो बैक साइड है, लेकिन अगर आप टोटल ऐसी ही बनाएंगी दोनों तरफ से ऊपर तक, तो ये डबल साइडेड बन जाएगी कि आप दोनों तरफ से बच्चा जो है या जो भी है बड़ा है पहन सकता है इसे। पर मैंने इसमें डिज़ाइन डालना है तो इसलिए मैं वैसे बताऊंगी आपको। ये देखिए, इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। तो ये सिलाई भी आप इसी तरीके से कर लीजिए, कम से कम 12 से 14 लाइन्स आप ऐसे ही करेंगी और उसके बाद हमें जो है फंदे बढ़ाने हैं। तो पहले आप ये कर लीजिए, फिर बताते हैं कि इसको फंदे किस तरीके से इसमें बढ़ाएंगे और कितने बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये मैंने बॉर्डर बना लिया है, अब इसमें जो है हम फंदे बढ़ाएंगे। अब फंदे आपने किस हिसाब से बढ़ाने हैं, नॉर्मली तो देखो सिर के हिसाब से होते हैं, बट ये मैं वैसे ही ढीली ढीली बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को जो है वो आजकल के डिज़ाइनर जो थोड़ा लटके हुए से होते हैं वैसी टोपी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा खुला ही बना रही हूँ इसे। तो अब हम जो है इसमें कम से कम जो है 40 फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 40 से 45 फंदे आप बढ़ा दीजिए, ये आप डिपेंड है, अगर छोटा बच्चा है तो आप कम बढ़ाइएगा, और अगर छोटा है तो आप इसको टोपी में भी यहाँ पे 90 नहीं रखेंगे, फिर 70 के आसपास रखेंगे, 70-75 इस तरीके से रखेंगे। तो ये मैं टीनेजर्स के लिए बेसिकली बता रही हूँ, या फिर बड़ों के लिए भी आप इसे, जेंट्स के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो अब आप इसमें कम से कम हमें 40 फंदे बढ़ाने हैं, तो हम उस हिसाब से इसे डिवाइड करके इसमें फंदे बढ़ा देंगे। तो मेरे हिसाब से मैं हर, मेरे ख्याल से तीसरे फंदे में अगर इसे बढ़ाऊंगी
तो मेरे जितने भी बढ़ जाएंगे मैं हर तीसरे फंदे में जो है इसे बढ़ाऊंगी। बढ़ाने का तरीका देखिए कैसे हैं, एक दो तीन चार। बढ़ाने को आप ऐसे भी बढ़ा सकती हैं कि ऐसे किया और इसे बुन दिया तो आपका एक फंदा बढ़ गया। और दूसरा तरीका है बढ़ाने का, आप यहाँ से इसे लेंगी, ये देखिए, और यहाँ से इसे लेंगी, ये देखिए, तो ये एक आपका बढ़ गया। अगेन एक दो और ये तीन फंदे आपने बुने, फिर वैसे ही आपने यहाँ से इसमें से ये डाला, ये देखिए, और यहाँ से ऐसे डाला, ये बढ़ गया। तो एक दो तीन, ये तो मैंने वो तरीका बताया। दूसरा तरीका वही है कि आप इस तरीके से इसे धागा लपेट लेंगे और फिर तीन बुनेंगे, एक दो और तीन, फिर धागा लपेटेंगे फिर तीन बुनेंगे, एक दो तीन। ये बॉर्डर ख़त्म हो गया तो मैं प्लेन बना, इसके बाद एक लाइन प्लेन बना रही हूँ, इसके बाद मैं डिज़ाइन डालूँगी इसमें। फिर धागा लपेटा आपने, फिर तीन बनाए, एक दो तीन, फिर धागा लपेटिएगा फिर तीन बनाइएगा, एक दो तीन, धागा लपेटिएगा एक दो तीन। इसी तरीके से आपने पूरी लाइन करनी है, धागा लपेटना है और तीन बुनते जाना है, एक दो तीन, सारी लाइन आप इसी तरीके से कीजिए। ये देखिए, एक साइड से तो मैंने इसे बढ़ा दिया, अब ये मैं दूसरी साइड आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करनी है। ये जो है आपने एक फंदा, आप इसे सीधा ही ले लीजिए क्योंकि मैंने जो डिज़ाइन डालना है वो मैं सीधा ही करूँगी। अब जो ये आपको फंदा ये दिख रहा है, ये बड़ा हुआ, तो हमें जो है इसे इस तरीके से लेना है। ऐसे आप थोड़ा इसे खुला कीजिएगा इसे, और इसे ऐसे लीजिएगा, तो ये वहाँ पे जाली नहीं बनेगी लेकिन फंदा जो है आपका बढ़ जाएगा, एक दो तीन, ये देखिए ये फिर आ गया। इसे ऐसे कीजिएगा और इस तरह से ऐसे कीजिएगा, दो तीन, पूरी सिलाई आपने ऐसे ही करनी है। आप उल्टी भी कर सकते हैं क्योंकि मैं तो डिज़ाइन डाल रही हूँ इसलिए मैं सीधी सिलाई कर रही हूँ, तो आप इसे उल्टा भी कर सकती है, या अगर आपने यही डिज़ाइन डालना है तो आप डाल दीजिएगा ऐसे। ये देखिए आप बैक साइड से, ये देखिए जाली नहीं बनी है लेकिन फंदा जो है बढ़ गया है। अब पूरी सिलाई आपने ऐसे ही करनी है। ये मेरे जो है कम से कम 31 फंदे जो है, 31 फंदे जो है यहाँ पे बढ़ गए हैं, ये देखिए। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही करनी है, इसे आपको जहाँ पे भी ये दिखेगा आप इसे ऐसे खींच के यहाँ से ऐसे डालिएगा, और सारी सिलाई आप ऐसे ही कीजिए। और 31 फंदे एटलीस्ट इसमें बढ़ गए हैं, तो आप नॉर्मली तो अपने हिसाब से फंदे बढ़ाइएगा, जैसे बच्चा होगा वैसे, या जैसे बड़े होंगे वैसे, किसी बड़े के लिए बनाना है आपने अगर जेंट्स के लिए, ये उसके लिए भी है। बेसिकली ये ऑल इन वन है कि कोई भी पहन सकता है इसको, तो आप पूरी सिलाई जो है ऐसे ही कीजिए। ये मैंने अब इसमें बढ़ा दी है, अब मैं इसमें जो है डिज़ाइन डालूंगी और इसे इतना बनाऊंगी जितना कि नॉर्मली सिर की जो लंबाई होती है उसके हिसाब से बनाऊंगी। तो आप अपने हिसाब से इसे बनाइएगा, बच्चे के लिए है तो बच्चे के जितना आप ये डालेंगे फंदे कम कीजिएगा बच्चे के हिसाब से, और बड़ों के हिसाब से तो इतने ही चलेंगे, और उसके बाद उतना इसे लंबा कीजिएगा जितना कि ये उनके सिर की लंबाई तक आ जाए, उससे जस्ट थोड़ा सा पहले। फिर मैं बताती हूँ आपको कि इसमें हमें किस तरीके से घटाना है और इसे बंद करना है।